हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करना और देखते हैं आज एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग अप्रोच एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। मैं नाम सी रजित रायोरिया, आई एम कॉन्टेस्ट एट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। तो ये बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है, बिग रेड कैंडल देखने को मिल रही है। लास्ट टू लास्ट वीक में बुलिशनेस थी, उसके बाद लगातार दो हफ्तों से आपको वीकनेस देखने को मिल रही है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। वहीं अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसा कि स्ट्रक्चर आप देख पा रहे थे, निफ्टी बैंक निफ्टी हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ऊपर जा रहा था, बट यहाँ पे ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट में नीचे आके लोअर हाई लोअर लो लगाना चालू कर दिया है बैंक निफ्टी ने। सो यहाँ पे ट्रेंड एक तरीके से चेंज हो चुका है बैंक निफ्टी में, बुलिश ट्रेंड से शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे बुलिश ट्रेंड से अभी बियरिश ट्रेंड की तरफ बैंक निफ्टी देखते हुए आपको मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पे अभी बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 44,700 के आसपास का जोन है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। वहीं आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी को तो आर्ली टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में बैंक निफ्टी काम कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक लोअर ट्रेंड आपको डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सो अगर बैंक निफ्टी 44,700 के लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 44,000 के आसपास बैंक निफ्टी को देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन अगर देखें तो राउंड नंबर 44,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। बट रेजिस्टेंस साइड में देखें, बैंक निफ्टी में अभी एक अनफिल्ड गैप है तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 45,400 से लेकर 45,550 का जोन है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। बैंक निफ्टी अभी नेगेटिव जोन में है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव तभी होगा अगर बैंक निफ्टी 45,400 45,500 रेंज है इसके ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा, तभी हम बैंक निफ्टी में ये जो डाउन ट्रेंड था ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा अगर 45,500 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो। बट 45,500 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी है तो आपको बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में आपकी अभी स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे सेल ऑन राइज रहनी चाहिए। 50 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आकर देखते हैं तो आज के दिन में क्या अप्रोच रहनी चाहिए, तो यहां पे आपने देखा कि आज के दिन में क्लियर कट आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, बट लास्ट आवर में आपको हल्की फुल्की बाइंग देखने को मिली है। तो फिबोनाची नंबर से अगर देखें, अगर हम जो डाउन ट्रेंड हुआ है इसका रिट्रेसमेंट कहां तक पहुंच रहा है तो आप यहां पे क्लियरली देख पा रहे हैं 50% रिट्रेसमेंट और 61.8% रिट्रेसमेंट जो है 45,250 से 45,150 का जोन है ये निकल के आ रहा है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल होने वाला है 45,150 से 45,250 का। अब अगर कल बैंक निफ्टी में क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, बैंक निफ्टी कल अगर इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड करके प्राइस एक्शन बनाता है नेगेटिव साइड में तो आपको एक एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलता है तो आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 44,800 के टारगेट के लिए। लॉन्ग का सिनेरियो कल के दिन में नहीं बन रहा है, अगर लॉन्ग का सिनेरियो बनता है तो 45,200 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है देन हम एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करने का सोच सकते हैं 45,600 तक के टारगेट के लिए। बट लॉन्ग के सिनेरियो बाकी काफी कम लग रहे हैं, मार्केट गैप अप होने के चांसेस काफी कम है, चांसेस हैं कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होगा। फ्लैट ओपन होता है तो आप 45,200 के ऊपर रेजिस्टेंस है तो अगर यहाँ पे आपको एक डबल टॉप देखने मिलता है एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट अगर कल के दिन में मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 44,800 के आसपास ओपन होता है देन अगर एक शार्प सेलिंग के साथ 44,700 का लेवल ब्रेक करता है जो कल का लो था इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप फिर से एक सेलिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टारगेट के साथ आपको एक सेल ट्रेड मिल सकता है। बैंक निफ्टी में नो ट्रेड जोन 45,000 से लेके अगर 44,800 के बीच में बैंक निफ्टी रहता है तो नो ट्रेड जोन में है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉसेस कट सकते हैं तो इसीलिए इस जोन में ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। ये जोन अगर मार्केट क्रॉस करता है आदर साइड तब आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो नो ट्रेड जोन आपका 45,000 से लेके 44,800 का जोन है, इसमें बिल्कुल भी ट्रेड करने का प्लान ना करें एक्सपायरी के दिन। आई होप बैंक निफ्टी का आउटलुक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.